लाल ग्रह सदियों से हमारे आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यह मनुष्य के रहने के लिए अगला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस ग्रह में इंसानी बस्तियां बसाने की ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती हैं। यह हमें समझाता है कि क्यों नासा और कुछ प्राइवेट कंपनियां दशकों से ग्रहों की चंद्रमाओं का अध्ययन कर रही है। यहाँ कुछ खबरें हैं कि बाहरी स्पेस में कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ मानव बस्तियाँ बसाने के लिए चंद्रमाओं से ज़्यादा बेहतर संभावनाएं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही फैसला करें। तो आइए जानते हैं 5 ऐसी चंद्रमाओं के बारे में जिसे आप मानो या ना मानो वास्तव में अस्तित्व में हैं। नंबर 5, ट्राइटन। नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा चट्टान और नाइट्रोजन गैस से बना है और इसकी संभावना है कि इसकी सतह के नीचे तरल पानी मौजूद है। दुर्भाग्य से इसमें लगभग गैर मौजूद वातावरण है। इसका औसत तापमान -235 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे ठंडी चीज बनाती है। चमकदार चीज़ों को चाहने वाले निश्चित रूप से ट्राइटन का आनंद लेंगे, क्योंकि इसकी सतह प्रकाश को बहुत अधिक परावर्तित करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस चंद्रमा का निर्माण उसी समय नहीं हुआ होगा जब इसके ग्रह की रचना हुई थी, जो कि बहुत अजीब है। विशेषकर इसके आकार को देखकर वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी रचना अंतरिक्ष में कहीं और हुई होगी और ब्रह्मांड में घूमते हुए यह नेपच्यून के ऑर्बिट में आ गया होगा। और सबसे बड़ी पहेली यह है कि यह अपने होस्ट प्लैनेट की उल्टी दिशा में परिक्रमा करती है, जो कि ऐसा करने वाली एकमात्र चंद्रमा है। नंबर 4, सैरोन। प्लूटो के सबसे बड़े चांद ने वैज्ञानिकों के बीच बहस शुरू कर दी है, क्योंकि वे सोचते हैं कि इसमें भौगोलिक गतिविधियां मौजूद है। इसका कारण यह है कि सैरोन और इसके मूल ग्रह वास्तव में वैज्ञानिकों द्वारा भविष्यवाणी की तुलना में बेहद छोटे हैं। सैरोन की सतह पर कुछ दरारें हैं, लेकिन यह अपेक्षाकृत शुद्ध ग्रहों के चिन्हों और क्रेटरों से मुक्त है। इस चंद्रमा की एटमॉस्फेयर बहुत पतली है, जो कि आगे की भौगोलिक गतिविधियों का संकेत हो सकता है अगर ये दरारें चंद्रमा के भीतर से ही आ रही है तो। नंबर 3, कैलिस्टो। कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और आकार में बुध ग्रह के समान है। वैज्ञानिकों को इसके बर्फीले सतह के नीचे विशाल तरल महासागर के कारण इंसानी बस्तियां बसाने की उच्च उम्मीदें नज़र आती हैं। इसका वातावरण बहुत पतला है और मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है और उन्होंने इसकी पुनः पूर्ति की व्याख्या की है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड सतह के नीचे से जारी की गई है। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि वातावरण में ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए आगे के परीक्षणों को पूरा करना होगा। अच्छी खबर यह है कि कैलिस्टो बृहस्पति से एक सुरक्षित दूरी पर है, इसलिए इसका रेडिएशन कम हो जाएगा। नंबर 2, मिरांडा। मिरांडा यूरेनस की बहुत छोटी चंद्रमा है, लेकिन इसके आकार से आप धोखा ना खाएं, क्योंकि यह इंसानी बस्तियां स्थापित करने के लिए एक बेहतर स्थान साबित हो सकता है। यहाँ कुछ कारण है कि यह कैसे इंसानी बस्तियों के लिए अधिक संभावनाएं प्रदान करता है। इसकी उबड़ खाबड़ चट्टानें ग्रैंड कैनियन की तुलना में 12 गुना अधिक गहरी हैं। यह वास्तव में एक कैंप लगाने के लिए आदर्श स्थान हो सकता है और यह उन तत्वों से सुरक्षित रख सकता है जिनमें यूरेनस के चुंबक मंडल द्वारा उत्पादित रेडियोधर्मी कणों और चार्ज्ड एलिमेंट सम्मिलित हैं। परंतु मिरांडा के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, हालांकि यह बर्फ से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल पानी बर्फ के नीचे मौजूद हो सकता है। मिरांडा का गुरुत्व बल बहुत कम है, जिसके कारण यदि कोई इसके बड़े चट्टानों से गिरता है तो उसे नीचे तक पहुंचने में कुछ मिनट लग सकते हैं। नंबर 1, गैनीमेडे। गैनीमेडे जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है और इसमें कुछ आकर्षक तथ्य हैं। वैज्ञानिकों को यह संदेह है कि तरल पानी इसकी सतह के भीतर मौजूद है।
इसमें एक बर्फ़ से ढकी सतह है, लेकिन अन्य दूसरे बर्फ़ से ढके चंद्रमाओं की तुलना में इसकी सतह अपेक्षाकृत पतली है और सतह के अंदर घुसना आसान है। इस चंद्रमा का अपना चुंबकीय खिंचाव भी है जो इसे पृथ्वी के चंद्रमा के समान एक अरोड़ा देता है। ये अरोड़ा किसी भी महान तरीके से आगे नहीं बढ़ता है, जो वैज्ञानिकों को इंगित करता है कि सतह के नीचे एक समुद्र है। दुर्भाग्य से पृथ्वी के लोगों के लिए गैनीमेडे एक पतला ऑक्सीजन का वायुमंडल है। हालांकि वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ इंसानी बस्तियाँ बसाने की क्षमता मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करें और नीचे दिए बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।